नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास प्रोग्राम विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बात करें अध्यक्ष श्री सुखराम जी घोटिया के साथ, न्यूज 21 की टीम ने खास मुलाकात की है। श्री राम जी घोटिया जी ने कहा है कि 22 साल से इस गौशाला में बहुत ही शानदार विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनाना गांव के लोगों ने बहुत ही शानदार सहयोग दिया है। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के गौवंश के लिए चिकित्सालय और पेयजल की सुचारू रूप से सुविधा नहीं होने के कारण काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक का, वही ग्राम पंचायत के सरपंच का गौशाला में बहुत शानदार सहयोग मिलता आ रहा है। वही न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींच ने की उपाध्यक्ष रामपाल जी से खास बातचीत और गांव की जनता से, श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के लोगों से विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की है। कोषाध्यक्ष रामकिशोर, सचिव रामनिवास जी, उपाध्यक्ष रामपाल जी, सचिव रामनिवास जी और ग्रामीण लोगों से विशेष बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार जो न्यूज 20 चैनल के माध्यम से हम लगातार जो मुद्दे मसले, विशेष तौर से जो समस्याओं को प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं गौशालाओं को लेकर, और आज हमारी टीम पहुंची है श्री कृष्णा गौ सेवा समिति जनाना और विशेष तौर से जो पंचायत समिति मुंडवा जिला नागौर के अंदर, और यहाँ की जो गौशाला है श्री कृष्णा गौ सेवा समिति जनाना के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, बात करते हैं सरकारी अनुदान कितना आ रहा है और बात करते हैं जन सहयोग कितना है और जो निजी है किस प्रकार गौशालाओं को लेकर अन्य स्रोत क्या है। आइए जानते हैं, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष सुखराम जी घोटिया, उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं, खास रिपोर्ट के अंदर बातचीत करते हैं कि गौशाला है जो कृष्णा गौ सेवा समिति, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और बात करते हैं किस प्रकार के मुद्दे मसले या समस्याएं हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। थैंक यू सर। तो किस प्रकार के मुद्दे मसले या समस्या है जो गौशाला को संचालित करने में आ रही है, और बात करते हैं जो भजनलाल सरकार बनी है, सर भजनलाल सरकार के अंदर पहले सरकारी अनुदान, पहले यानी कि हुआ कांग्रेस सरकार में 3 महीने का, उसके बाद में 6 महीने का, फिर 9 महीने का, अब भजनलाल सरकार बनी है, क्या आशा करते हो आप, क्या अपील है, क्या कहना चाहोगे, क्या सोचा? अपील है ये कि अब 9 महीना हुआ है तो कोशिश कर 12 महीना कर दे तो बहुत बढ़िया है। आज बार 20 रुपया छोटी का है, 40 मोटी का है, तो इन्हें दूना बता देना तो मतलब पाँच आगे बुझा हुआ। और आज जो सपोर्ट चल रही है गवर्नमेंट पे दे रही है, इवें बढ़ कर मतलब गांव को सपोर्ट तकड़ो मिल रही है, बस्ती का सपोर्ट है ये चल रही है, बस्ती को सपोर्ट बार तो नहीं मिल रही तो और खाचा तान हो। सरकारी अनुदान आपका कितना आ रहा है, जन सहयोग कितना हो जाता है, अन्य स्रोत किस प्रकार, गोबर वगैरह कितना हो जाता है टोटल? अब ये होता है मांगे 20 लाख के लंग टंगे मांगे सरकार वाजिए, और 4 लाख के लंग टंगे मांगे गोबर बिक गया हुआ है, और गाय में बेचा हुआ नहीं, गाय बेचा गाय बेच वापिस बे पाँच कोई कसा हसा ले जाएगा अटी छोड़ जे पर लड़ाया दाइया हुए बेला कर गाय हम भी बेचे बोली टोक जा महीने वहाँ बेचा जो 1,50,000 का मांगे साल में टोक जब भी बिके बढ़िया पाड़ा में गोबर वगैरह कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख को साल में बेचा और 5,000 रुपया फट्टा होने वहाँ। भामाशाह कितना था सपोर्ट करा है, सरपंच एमएलए एमपी राजनीति सपोर्ट है कुछ? अमल एम पी में कोई कोने अबे मांगे पट्टो बनी को ने थे गौशाला को जरा एम पी को नहीं मिले, अमल को नहीं मिले, खुद मैं का कोटा मुझे एक रुपये मिलने को नहीं, क्यों पट्टो नहीं है, पट्टो मिला मिले को नहीं। सरकारी योजना खाली एक सरकारी है और मांगे बस्ती है, बस्ती का कारण जब चल रही हो बस्ती को पूरा सपोर्ट बढ़िया। दूध वगैरह क्या हो जाए, घी वगैरह, दूध दूध वगैरह तो मां जतो है कि जरूरत हुए नहीं है कि भाई गया छराव जगह जर एन क्यूड है कि 10-20 गाय थकी रखो जो क्या पाव आदमी लो रहे लगा बोर गाय भी हबा रही है थाके थाको दूध दिया और कोई बेचा बेची ना दूध करा। बात करें सर पेयजल की व्यवस्था की, लाइट की, तो गौशाला ने अभी इतनी भीषण गर्मी के अंदर बहुत आवश्यकता होती है इनकी, तो इनको जैसे एमएलए एमपी या कुछ ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान स्तर पर कुछ आपको को सपोर्ट मिलता है या किस प्रकार व्यवस्था करते हो इसकी, क्या करते हो इसकी? तो गर्मी के महीने में पानी की तो व्यवस्था माँ क्या है, ट्यूबवेल है बात तो घड़ी कमी होनी है। अब भी गायें की गर्मी के महीने मतलब पंखा की है तो पंखा बजती वाला मतलब लगा रहे तो समझ लो कोई तार फार वगैरह 5-10 हज़ार छोटे मोटे खर्चो है जो कुछ दे दें माँ, और बाकी का पंखा है जगह के थ्रू क्यों भाई माँ लगा दे पंखा, कोई एक दे तो कोई दो दे तो ऐसा दान दाता दे रही है बस्ती का। क्या गौशाला के माँ के किट सामग्री डाल लो, किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की सेवा हो रही है, ठीक हो रही है? क्या क्या चीज की कोई चीज की कमी नहीं होती, हम मांगते हैं जो कहते हैं तो सुखराम जी सब बढ़िया करते हैं। हाँ सब बढ़िया, खाने पीने के लिए सब कोई चीज मांगते हैं तो सब लाके।
तो सुखन जी, बात करा जिया कब से आज जिम्मेदारी है जो बड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो ग्राम पंचायत स्तर पर थे निभा रहे हो, गौशाला का अध्यक्ष पद पर विराजमान हो चुके हो, कब से ये सेवादारी निभाई जा रही है, आगे की क्या आपकी क्या मुद्दे हैं कि अगर गोवाला को जैसा हाईटेक थोड़ा सा बना के गोशाला की किस तरह की करने लगा वो अभी देखो सकते हैं कुछ आज मांगा का खजो है तो आज मतलब अब बात हुई तो ये जो है भी वो आगे घटी हुई है जोर था एक तो मैं खजवा ने फोन करा मैंने या फोन नहीं उठाओ जाए दे रहा हूं यार अटे अटे हुए ना जरा आ पा के बाहर हुए बहुत तकड़ी बात है। तो बात करा सरकारी अनुदान की तो 9 महीने का जो सरकारी अनुदान मिल रहा है सर वो किससे कैसा आप उससे खुश हो? अब साहब खुश तो है ना कि आप ही खुश यहाँ बात है नहीं और वो देवे तो आगे मतलब 3 महीना फिर बधा देवे सरकार तो एक आम मतलब फलाजे का मतलब थोड़ा सुकून दिन गुजार ला। सुखराम जी बात करना है कब हुआ जिम्मेदारी निभा रहे हो किस प्रकार व्यवस्था है कितो टाइम हो गया थाना गौशाला की सेवा दवरी अब करने का? माँ साहब वो गौशाला चालू करियो 2002 में ठीक करियो होगे चालू चालू माई तो करियो और आज वहाँ थे 2002 तक मैं मतलब अध्यक्ष हूँ और बस्ती का जगह पूरी बस्ती की मांग के मतलब पूरी सपोर्ट में आज वहाँ आते हैं कोई मांग के खिलाफ नहीं है एक आदमी बस्ती मैंने पूरी बस्ती सपोर्ट दे रही है और हर प्रकार को 2 रुपये जरूरत पड़े तो बस्ती ने पुकारा कमी अजब है तो बस्ती वाला हाथों हाथ सपोर्ट करे और आज गुड़ है खड़ है बाजरे हैं एला की बहुत दे रही है बस्ती का मतलब सरपंच साहब है कोई सपोर्ट सरपंच साहब ने तो क्या माना सरपंच साहब पर किसी है तो देवे है सपोर्ट क्या भाई नींद नहीं फूस वो चीज बताना जमीन क्या है देवे सपोर्ट। सुखराम बात करा ये भीषण गर्मी की रकम 47 डिग्री है जो टेम्परेचर है वो गर्मी को नापे हुए है पर इसके अंदर जो छाव की शेड का निर्माण है किस प्रकार व्यवस्था है छाव के लिए? छाया के लिए साहब करीबन तो है की तुम्हारे पत्थर और हासो पट्टी छड़ी हुई है ठीक है पाएगा की चौपेर है ना जिसकी हासो पट्टी मांगे छड़ी हुई है अभी माटी की कमी है खाली एक लाइट अब पंखा नहीं लग गया है देखो लाइट नहीं पंखा मतलब लगा व्यवस्था करी है देखो आ जाओ चल भाई बाप ने हवा आए बोले ठंडी जगह बढ़िया था महसूस हुआ सेवा करके गौ माता की यूं बता तो कोई है ही नहीं गौं बच्चों तो कोई चीज ही नहीं है। आप देख रहे थे न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। सुखराम जी अध्यक्ष साहब श्री कृष्ण गौशाला समिति जनाना के काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जिनको लेकर वो चिंतित है उनका विशेष तौर से जो उन्होंने